वालेकुम कैसे हैं आप लोग आज आपके लिए मैंने एक लॉन्ग केस प्रिपेयर किया है तो वो मैं आपको कर देती हूँ और आप लोग बिल्कुल कुछ भी कमेंट नहीं करते हैं लास्ट वाले में भी कुछ लिखा ही नहीं आप लोग ने एक आध कोई लिख देते तो प्लीज़ सर आप मुझे कमेंट तो किया करें ना अच्छा ये मैंने लकीमिया का मैंने लिया है लॉन्ग केस और वैसे ही आप शुरू करेंगे जाहिर है हिस्ट्री आपने ली तो बायोडाटा से शुरू करें आप नेम एज जेंडर मैरिटल स्टेटस ऑक्यूपेशन एजुकेशन रेजिडेंस सोशियो सोशियोकनॉमिक्स ठीक है सारा कुछ आपने पूछ लिया प्रजेंटिंग कंप्लेन्स पेशेंट्स विद लुकीमिया प्रजेंट विद नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स दैट बिगेन ग्रेजुअली और एब्रप्टली एंड आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनीमिया ल्यूकोसाइटोसिस ल्यूकोसाइट डिसफंक्शन और थोम्बोसाइटोपिनिया नियरली हाफ हैव द सिम्टम्स मोर दैन थ्री मंथस बिफोर द लकीूमिया इज डायग्नोज पहला होता है मतलब ये कि जो uh, भी एनीमिया या थोमोसाइटोपिनिया या ल्यूकोसाइटोसिस या uh, न्यूट्रोपिनिया की वजह से सिम्टम्स हो रहे होते हैं ना तो उसमें सबसे पहला फटीग है फटीग इज़ अ फ्रीक्वेंट फर्स्ट सिम्टम नंबर टू इज़ एनोरोग्जिया नंबर थ्री इज़ वेट लॉस नंबर फोर इस फीवर विद विद और विदाउट आइडेंटिफाइबल इन्फेक्शन टेन परसेंट केसेज में होते हैं विद हेडिक डायफ्राइस मतलब ओनली टेन परसेंट ऑफ द लुकीमिया पेशेंट प्रजेंट विद फीवर फाइव है ब्लीडिंग ईजी ब्रिजिंग साइंस ऑफ एबनॉर्मल हीमोस्टास डीआईसी के साथ भी प्रजेंट हो सकते हैं मतलब ये हर लुकीमिया के साथ नहीं है मतलब स्पेसिफिक जो टाइप्स हैं लुकीमिया की उनमें यह कॉम्प्लिकेशन या थ्रोम्पोसाइटोपिनिया की वजह से हो सकती हैं सिक्स बोन पेन सेवन लिम्फ एडिनोपैथी नाइन नॉन स्पेसिफिक कॉफ टेन रीकर ड्यू टू न्यूट्रोपिनिया अर्ली सटायटी स्प्रीनो में गैली अब अर्ली सटाइटी ना हर लुकीमिया के पेशेंट को तो नहीं होगी सिर्फ उसमें जो क्रॉनिक माइलोइड लुकीमिया होता है ना जिसमें मासिव स्प्रीनों में गैली होती है तो उस वजह से उनको बहुत हैवीनस लगती है पेशेंट को एबडामन में एबडामनल पेन होता है अर्ली सटायटी फील होती है उस गाली की वजह से हेडिक हो सकता है विजन चेंजेस नॉन फोकल न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ ओनली इन द केस ऑफ सी एन एस लुकीमिया और ब्लीज इन दूटो माइलोइड लुकीमिया ठीक है तो आप हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कम्प्लेंट्स में फिर अब क्या क्या पूछेंगे ना पेशेंट से आस्क अबाउट ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स ड्यूरेशन जाहिर है कि तीन महीने तो हो ही चुके होंगे मोर दैन थ्री मंथस के बाद ही प्रेजेंट होता है ज़्यादातर पेशेंट वेदर कंटिन्यूस इंटरमिटेंट चिल्स ड्राइगर्स स्वेटिंग कॉफ हेड एक चैनलाइज बॉडी एक्स और ईजी ब्रूजिंग ब्लीडिंग और बोन पेंस रियरली पेशेंट में प्रजेंट विद सिम्टम्स फ्रॉम अ मायलोइड सार्कोमा माइलोइड सार्कोमा जो है ना वो एम एल में प्रजेंट हो सकता है अ ट्यूमर मास कंसिस्टिंग ऑफ मायलोइड ब्लास्ट अकरिंग एट अनाटमिक साइट अदर देन द बोन मैरो मोस्ट कॉमनली स्किन लिम्प नोट जी आई टी सॉफ्ट टिश्यूट मोइलोइ लुकीमिया पास्ट हिस्ट्री पूछें बहुत इंपॉर्टेंट है पास्ट हिस्ट्री में हिस्ट्री ऑफ कैंसर उसको हो सकता है पेशेंट को बताते खुद उसने उसको क्या पता कीमोथेरेपी मिली हो तो बहुत सारे अलकाइलेटिंग एजेंट्स होते हैं एक्सपोजर टू अल्का एजेंट्स टोपो आइसोम रेडियशन अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसके बाद जो है ना उसको इन ड्रग्स की वजह से हो सकता है रेडिएशन की वजह से हो सकता है हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ हाइपर टेंशन हिस्ट्रीमिक हार्ट डिजीज़ एस्मापा सीरियस इल्नेस हिस्ट्री ऑफ़ एनी सर्जरी वो तो आपने ज़ाहिर है सारे पेशेंट की लेनी है फैमिली हिस्ट्री फैमिली हिस्ट्री इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारे जो लकीमिया है ना वो बहुत सारी इनहेरिटेड जो डिज़ीज़ हैं या Uh, इस तरह की डिजीज जिसमें डीएनए रिपेयर uh, का डिस्ट्रप्शन होता है या डिस्टरबेंस होती है या डीएनए ब्रेक हो रहे होते हैं इस तरह का है कि जैसे फैनकोनी एनीमिया ब्लूम और कॉस्टमैन सिंड्रोम एटैक्या टैलियन टे, जीटेजिया पर्सनल हिस्ट्री में हैबिट्स एडिक्शन सिगरेट स्मोकिंग हिस्ट्री ऑफ एल्कोहल कंजम्पन्स और एनी अदर ड्रग एडिक्शन ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री में ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर रेडिएशन बेंजीन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स स्मोकिंग पेस्टिसाइड्स मतलब ये सारी आपने ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री ले लेनी है हिस्ट्री ऑफ एनी एलर्जीज ठीक है तो ये तो जिस तरह से आप सारे पेशेंट की लेते हैं आप उसी तरह से ले लेंगे और फिर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन की तरफ आ जाएं और जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन तो सारी बात है शुड बिगैन ड्यूरिंग इंटरव्यू ऑफ द पेशेंट पेशेंट कैसे आया चलता हुआ आपने देख लिया टॉक्सिक लुक तो नहीं है मतलब ये कि आपको अंदाज़ा हो जाता है ना कि बहुत ज़्यादा सीरियसली इल है पेशेंट ने या नई शक्ल देख कर ही ठीक है तो उसके वाइटल साइंस आप चेक करें ब्लड प्रेशर पल्स रेस्पिरेटरी रेट टेम्परेचर ठीक है अब फिज़िकल एग्जामिनेशन की फाइंडिंग मुख्तलिफ़ यानी कि आपको मिल सकती है डिफरेंट टाइप के आ, लुकीमिया में या आ, जो इसकी प्रेजेंटेशन है उसके आ, उस पर डिपेंड करेगा तो आपको फीवर मिल सकता है टेकीकार्डिया साइंस ऑफ इन्फेक्शन ठीक है इकाइमोसिस एंड ऊजिंग फ्रॉम आई वी साइड हैमोरेज डी आई सी एसोसिएटेड माइनर हैमोरेज बट सिग्निफिकेंट जी आई ब्लीडिंग इंट्रापलमरी हैमोरेज और इंट्राक्रोनियल हैमोरेज ये भी मिल सकता है कि इसमें एक्यूट प्रोमायलोसिटिक क्लूकीमिया यानी ये ए एम एल की एक टाइप है उसमें आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं डी आई सी उसमें बहुत कॉमन होता है थ्रोम्बोसिस ऑफ डीआईसी इन एपीएल यानी एक्यूट प्रोमायलोसिटिक लुकीमिया रेटिनल हैमोरेजेस पेपलीडीमा क्रेनियल नर्व एबनॉर्मेलिटीज सी एन एस लुकीमिया सब कंजेंटाइवल हेमोरेज, ठीक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको मिल सकता है गम हाइपरट्रॉफी, इन्फिल्ट्रेट ऑफ द स्किन सॉफ्ट टिश्यूज़ और मैरेंजीज विध लुकीमिक ब्लास्ट एट डायग्नोसिस कैरेक्ट्रिस्टिक ऑफ द मोनोसिटिक सब टाइप ऑफ ए एम एल साइंस ऑफ एनीमिया है लिम फेजिनोपैथी स्पिनो में हिपैटो में क्या एंड ड्रिप टेंडरनेस बैक पेन लोअर लि वीकनेस तो आप थोड़ा सा भी अगर ऐसे पेशेंट को जिनको लुकीमिया आप इस्टरनम भी उनका थोड़ा सा प्रेस करेंगे ना और ड्रिप्स वगैरह तो बहुत पेन होगा उनको लोअर लिम वीकनेस सार्कोमा की वजह से हो सकती है अब एग्जामिनेशन में आप देखें रेस्पिरेटरी सिस्टम का एग्जामिनेशन क्या आपने इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन में फोकस ऑन सिमेट्री ऑफ मूवमेंट शेप ऑफ द चेस्ट पेल्पेशन आप करके देखेंगे अगर लुकीमिया का पेशेंट है तो उसको पेल्पेशन में भी जो है ना जब आप करेंगे तो उसको पेन हो रहा होगा टेंडरनेस मिलेगी आपको ट्रेकियल पोजिशन चेस्ट एक्सपेंशन है एपेक्स बी टेंडरनेस ऑफ स्टर्नम एंड द केज प्रकशन डलनेस इंडिकेटिव ऑफ प्लूरल फ्यूजन हाइपर रेजिनेस साइंस ऑफ एम्फाइजीमा ऑस्कल्टेशन वीज रेल्स रोंकाय प्रोलॉन्ग एक्सप्रेटरी फेज डिमिनिश ब्रेथ साउंड विचार क्लूज टू द डिसडर ऑफ एयरवेज एंड टस्टिशियल एडिमा और फाइब्रोसिस मतलब ये तो सारे पेशेंट में आपने देख लेना है ना अब अगर उसमें कुछ ऐसा हो रहा होगा तो आपको पता चल जाएगा एबडामनल एग्जामिशन में अब देखें आपको हिपेटोस्क्रीनों में क्या ली ये मिल सकती है ना लुकीमिया में तो इंस्पेक्ट आपने किया एग्जामिन वेन द पेशेंट इन द सुफाइन पोजिशन शुड बी नोटेड वेदर देर इज अ पेराडोक्सिकल मूवमेंट ऑफ द एबडामन इंस्पेक्ट फॉर एनी एसीमेट्री

एनोमसिटिक अच्छा मैंने ये एम एल की सारी फाइंडिंगस लिखी हैं आपके लिए एक्यूट मोइलाउ गुकीमिया ठीक है तो हम उसी को डिस्कस कर लेते हैं मीडियम प्रेजेंटिंग अब ये एम एल का है ठीक है मीडियम प्रेजेंटिंग ल्यूकोसाइट्स आप फिफ्टीन थाउजेंड पर माइक्रो माइक्रो लीटर ट्वेंटी परसेंट है मोर देन वन लैक पर माइक्रो लीटर फोर्टी परसेंट है लेस दैन फाइव थाउजेंड तो मतलब ज़्यादातर तो आपको ल्यूकोसाइटोसिस ही मिल रहा होता है हो, उसमें वन हंड्रेड थाउजेंड से ज़्यादा आपको पर माइक्रोलीटर जो है ना ल्यूकोसाइट्स मिल रहे होते हैं लेस देन 40 परसेंट में आपको कम मिल सकते हैं फाइव थाउजेंड से कम एंड फाइव परसेंट हैव नो ल्यूकेमिक सेल्स इन ब्लड ठीक है ए एम एल में साइटोप्लाजम कंटेन नॉन स्पेसिफ़िक ग्रेन्यूल्स एंड न्यूक्लियस शो फाइन लेसी क्रोमैटिन विद और विध वन और मोर न्यूक्ोलाई कैरेक्ट्रिस्टिक ऑफ इमेचोर सेल्स एबनॉर्मल रॉड शेप ग्रेन्यूल कॉल्ड और बॉडीज नॉट यूनिफॉर्मली प्रेजेंट बट वेन दे आर वर्चुअली डायग्नोस्टिक ऑफ एक्यूट माइलॉइड लुकीमिया तो और बॉडीज़ जो है ना साइटोप्लाजम में ग्रेन्यूलर रॉड्स हैं तो वो डायग्नोस्टिक होते हैं ए के लिए नंबर टू आपने रेटिकुलर काउंट करा के डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इरिथ्रोपोइसिस। अब जाहरी बात है कि इतना ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन हो रही है वाइट सेल्स की कि बाकी जो है ना लाइंस वो सप्रेस हो गई हैं इरिथ्रोसाइड्स और जो है वो थ्रोम्बोसाइड्स ठीक है तो इसलिए रेटिकुलोसाइड काउंट भी कम आएगी रेड सेल सर्वाइवल इज आल्सो डिक्रीज बाई एक्सक्लोरेट डिस्ट्रक्शन केमिस्ट्री टेस्ट में आपने इलेक्ट्रोलाइट क्रिएटिनिन, बन बी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कैल्शियम फॉस्फोरस यूरिक एसिड एंजाइम ब्लूरोबिन एमालीस लाइपेज एल ये सब कराया क्लॉटिंग स्टडीज़ एम एल में जाहिर बात है आपने करानी है पी टी ए पी टी टी डी डाइमर फाइव में वायरल सिरोलॉजी सी एम बी हेपी सिंपलेक्स वन जोस्टर सिक्स आर बी सी टाइप एंड स्क्रीन ज़ाहरी बात है कि पेशेंट को इतने आ, उसको जो है आपको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होगी ना तो आ, आपने उसकी स्क्रीनिंग कर लेनी है इन्वेस्टिगेशन में मज़ीद आप कराना है आपने एच एल ई टाइपिंग फॉर पोटेंशियल एलोजेनिक हिमाटोपोइटिक्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन बोन मैरोप्रेट एंड बाइपसी जो डायग्नोस्टिक हो गई मोफोलोजी साइटोजेनेटिक्स फ्लोसाइटोमीट्री मॉलिकुलर स्टडीज अब देखें इसमें क्योंकि अब इतना आ, मतलब उसकी वास्ट नॉलेज अब हो गई है कि उसकी मॉर्फोलॉजी के ऊपर उसके साइटोजेनेटिक्स के ऊपर और उसके मोलिकुलर स्टडीज़ के ऊपर सारे जो लुकीमियाज़ हैं ना उनकी क्लासिफिकेशन भी हो गई है फिर उनकी जो है ना सबकी डिफ़रेंट ट्रीटमेंट है तो उसके हिसाब से है तो आपको वो सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है चेक करनी फिर प्रिजर्वेशन ऑफ वायबल लुकीमिक सेल्स नंबर टेन मायोकार्डियल फंक्शन एकोकार्डियोग्राम ज़ाहिर जब आप ट्रीटमेंट कर रहे होंगे तो फिर उससे पहले आप बेसलाइन लाइन में देखेंगे पेशेंट की फिटनेस एलेवन चेस्ट रेडियोग्राफ पी एंड लेटरल एंड ट्वेल्व प्लेसमेंट ऑफ सेंट्रल वीनस डिवाइस फिर इंटरवेंशन फॉर स्पेसिफिक पेशेंट्स डेंटल अवेलुएशन फॉर दोज विथ पुअर डेंटिशन टू लंबर पंक्चर फॉर दोज विथ सी एन एस डिजीज अगर उसमें है एविडेंस सी एन एस डिजीज का तो आपने लंबर पंक्चर करना है थ्री स्क्रीनिंग एम आर आई स्पाइन फॉर दो विद बैक पेन लोअर एक्सट्रीमिटी वीकनेस एंड पेरास्थीजिया ठीक है काउंसलिंग फॉर ऑल द पेशेंट्स प्रोवाइड पेशेंट्स विद इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिजीज जेनेटिक ब्रेस्ट स्पर्म बैंकिंग ये तो बाहर के मुल्कों में हो रहा होगा और मैंस्ट्रल सप्रेशन फाइनेंशियल काउंसलिंग एंड फैमिली साइको सोशल सपोर्ट जाहिर बात है बहुत ज़रूरी है अब एक्यूट माइलॉइड लुकीमिया मैंने कर लिया था अच्छा देखें इस तरह से आपके पास पेशेंट आ सकते हैं लॉन्ग केस में कि आपको वो कहते हैं किसी चीज़ में भी फीवर के साथ ही जैसे पेशेंट प्रेजेंट हुआ है या उसको कोई चीज़ भी है तो वो कह दें एग्जामिनर के आप डिफरेंशियल uh, बताइए तो डिफरेंशियल अब जैसे ना मेरे पास जो मेरा लॉन्ग केस आया था ना <laughs> तो मुझे लग रहा था लॉन्ग केस मेरा आ, इतना अजीबोगरीब गरीब आया था अजीबो गरीब इस सेंस में कि मतलब जैसे सब दे के जब निकलते हैं उनसे पूछो लॉन्ग केस भाई आपका क्या आया था तो एक स्पेसिफिक बताते हैं ना वो कि लंग कैंसर आया था या सी आया था या कार्डिक फेलियर आया था या सुरोस आया था जो भी बताता है ना कोई कि क्या मेरा क्या आया था अब मैं जब बाहर निकली ना मुझसे जब पूछा तो मुझे पता ही नहीं कि क्या आया था तो मुझे तो था कि मैं फेल हो गई होंगी उसमें बिल्कुल मुझे रत्ती अंदाज़ा नहीं था कि मैं ना मैंने पास हो पास हो गई हूँ मैं बहुत मेहरान हुई थी <laughs> रोना गया था मुझे मेरा ना केस ऐसा था कि 18 इयर्स और की यंग लड़की थी और उसको वो थी उस वक्त बिल्कुल ठीक यानी कि जो कुछ भी हुआ था ना वो ठीक हो गई थी उसको सिर्फ क्या था बुखार की वो हिस्ट्री दे रही थी बारह दिन की और बारह तेरह दिन की बुखार की हिस्ट्री थी और एक उसको ना बिल्कुल दूर से ही मुझे नज़र आ रहा था कि एक आँख में ना उसको सब कंजंक्टाइवल हैमरेज था और एक उसको जब मैं एग्जामिन किया था ना उसकी स्प्रीन एनलाज थी ठीक है बस ये तीन चीज़ें थी फीवर सब कंजंक्टाइवल हेमरेज और एनलाज स्प्लिनों में गहली थी उसको तो अब और जब मैंने हिस्ट्री ली उससे सब मैंने पूछा ना कि क्या क्या हुआ था क्या क्या हुआ था तो मैंने उससे पूछा कि पैरों में आपके सूजन आई थी तो उसने कहा कि हाँ मेरे पैरों में बहुत सूजन आई थी फिर मुझे दवाइयाँ वगैरह दी थी तो उससे अब खत्म हो गई तो उस वक्त इसको एडिमा नहीं था तो अब ना मैंने तो डायग्नोसिस नहीं पता है क्या नहीं सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस विद इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड ग्लोमेरोलोफ्राइटिस जो अब ठीक हो गया था तो आप यकीन करें तीन एग्जामिनर्स थे और एक ना कोई बांग्लादेश के प्रोफेसर आए हुए थे खैर मेरी अच्छी लग... किस्मत ही अच्छी थी मेरी उस दिन तो उन्होंने कहा उन्होंने एक सवाल भी मुझे ना उन्होंने कहा कि नहीं ये कैसे आपने बनाया है या कुछ पूछते हैं मुझसे कुछ नहीं उन्होंने पूछा ना बैक्टीरिया एंडिस और उन्होंने कहा अच्छा ये तो अच्छा डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि अगर आपके पास यही पेशेंट आ जाए क्लिनिक में आप बैठी हों तो आप क्या डायग्नोसिस बनाएंगे इस पेशेंट की इसको फीवर की हिस्ट्री दे रही है आप ये देख रही हैं उसको हमारे आप मरिजा आपने बताया और उसको इस्प्ल बढ़ी हुई तो आप क्या है क्या डायग्नोसिस बनाएंगे क्लिनिक में उसी वक्त मैंने कहा अब जाहिर बात है मैं मैंने कहा कि मैं मलेरिया बनाऊँगी और डेंगू फीवर बनाऊँगी और कहने कहा और मैंने कहा एक्यूट लुकीमया तो फिर उसके बाद ना आप यकीन करें कि पूरा मेरा मलेरिया पे उन्होंने लिया वाय यानी मलेरिया कौन पड़ के जाता है लॉन्ग केस के लिए या डेंगू फ़ीवर कोई और उस ज़माने में जब मैंने किया था 2008 में तो डेंगू तो होता ही नहीं था या मैं पता ही नहीं था कभी आज तक मुझे तो याद नहीं है कि हमने कोई डेंगू थ्रोमोसाइटोपिनिया आ रहा हो तो उसकी डिफरेंशियल में कभी रखते ही नहीं थे हम तो तो डेंगू का तो कुछ पता ही नहीं था उस वक्त ना अब तो कितना कॉमन है तो अब उन्होंने पूरा यानि जो मुझे अपनी पिछली मालूम थी जाहिर है मलेरिया की उन्होंने कॉम्प्लिकेशन्स पूछे सब कुछ एक एक चीज़ ट्रीटमेंट एवरी थिंग ऑफ मलेरिया उन्होंने मुझसे पूछा फिर उन्होंने पूरा मुझसे डेंगी फीवर पूछा हर चीज़ एक एक चीज़ पूछी उन्होंने आप सोचें और फिर ना एक्यूट लुकीमिया पर आ गया तो लुकीमिया का मेरे साथ ये था मसला लुकीमिया मुझे बड़ा मुश्किल लगता था तो मैंने उसको अब जैसे आपको पता है ना कि मैं लिख लेती थी तो मैंने उसका ना ल्यूकेमिया का पूरा लिख लिख के ना अपना एक थद्दा सा बन गया था मेरे फाइल का और वो मैं तकिया के नीचे रखती थी अपने तो रात में रात में जब सब मेरी तैयारी जो भी मुझे रिवीजन करना होता था मैं कर चुकती थी ना तो जब सोने के लिए लेटती थी तो लुकीमिया का वो थद्दा मैं निकाल लेती थी उसको एक आध दफ़ा यूं करके देखा मैंने तो रोज़ मैंने ये किया तो मुझे ल्यूकेमिया तो इतना अच्छा आता था यकीन करें सबसे अच्छा मुझे ल्यूकेमिया ही आता था और उन्होंने मुझसे पूछा कि अब ल्यूकेमिया पे आपकी किस्मत है उन्होंने मुझसे पूछा कि इस पेशेंट को कौन सा ल्यूकेमिया होगा अब देखें वो सेवनटीन ईयर्स ओल्ड या एटीन की लड़की थी तो मैंने कहा एक्यूट लिफो प्लास्टिक होगा इसको ए होगा क्योंकि ए या तो बच्चों में होता है या फिर अर्ली एडोलेस में होता है तो फिर उन्होंने मुझसे ना पूरा ए पूरी चीज़ें उन्होंने मुझसे पूछी अच्छा उन्होंने फिर ना मुझसे कहा कि ट्रीटमेंट का मैंने उनको बताया फिर उन्होंने पूछा कि मतलब क्या क्यों रेट है और क्या सर्वाइवल है क्या वो है वो सारी कुछ फिर उसके बाद जो है ना उन्होंने कहा कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो एल एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लान वो कैसे करते हैं कैसे करते हैं यानी रेसिपियन को क्या करते हैं होस्ट को क्या करते हैं तो ये चीज़ें तो बुक में नहीं लिखी होती लेकिन ज़ाहिर है मुझे ख़ुद इतनी क्यूरियासिटी होती थी तो मैं इतना पढ़ती थी इतना पढ़ती थी मुझे सब कुछ अल्लाह का शुक्र है क्या आता था तो मैंने जब उनको एक एक चीज़ बताई ना तो उन्होंने मुझसे पूछा था लास्ट में आप कौन सा वो पढ़ती हैं जर्नल आप कौन सा पढ़ती हैं तो मैं शुरू से न्यू इंग्लैंड जर्नल ही पढ़ा करती थी, थी उस वक्त भी तो फिर उन्होंने कहा कोई आर्टिकल बताया अब आर्टिकल तो भाई मैंने पढ़ा ही नहीं तो उस वक्त यानी पढ़ा आप सोचें एग्जाम से पहले कौन आर्टिकल देखते हैं भाई सिर्फ किताब ही देख रहे हो तो मैंने कहा सर नहीं मैंने अभी तो पता नहीं छः महीने तो हाथ भी नहीं लगाया मैं तो सिर्फ किताब ही पढ़ रही हूँ तो मुझे लग रहा था कि मेरा वाइबत तो खराब हुआ फिर वो कह रहे हैं झूठ बोल रही हैं पढ़ती वढ़ती हैं नहीं और ऐसे ही कह रही हैं न्यू इंग्लैंड जर्नल मेडिसन तो मैं बिल्कुल ये कंफर्म मुझे था कि मैं फ़ेल हो गई अब जब मैं बाहर आई तो मुझे था कि यार अब क्या फ़ायदा मतलब शॉर्ट केसेस अभी बाकी थे बिल्कुल मेरा दिल नहीं चाहता शॉर्ट केस करने का तो मैंने इतनी बेदली से मैं गई और शॉर्ट केस मैंने बिल्कुल ऐसे किए ना कि बस ख़त्म हो जाए ना पर फेल तो मैं हो गई हूँ तो अब घर जाके मैं सो जाऊँ सुकून से और मैंने टकर टक जो मैंने <laughs> शॉर्ट केसेस मुझे डर ही नहीं लग रहा था बिल्कुल तो मैंने ऐसे किए ना और जब ढाई घंटे के बाद हमारा रिज़ल्ट आया उन्होंने मुझे दिया लिफाफा जब मैंने खोला तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि मैं पास हूँ मुझे यही लगा कि गलती से उन्होंने मेरा नाम लिख दिया इतना मुझे रोना है उस वक्त यकीन करें बिल्कुल मैं बस खुशी से जो पागल हूँ ना मैं <laughs> पास थी मैं माय <laughs> गॉड तो मैं ये बता रही हूँ आपको तो इस तरह का भी हो सकता है तो खैर ये एक्यूट माइलॉइड लुकीमिया है तो आप इसको अब देख लेते हैं लेकिन शॉर्ट केसेस में पता है मैं अब आपको बता सकती हूँ कि सिर्फ कॉन्फिडेंस चेक कर रहे होते हैं आपका क्योंकि मैं इतनी बेजार थी मुझे था कि मैं फेल तो हो ही गई हूँ लॉन्ग केस में तो अब शॉर्ट केस से तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था तो मैंने बहुत मज़े से मैंने किया कि अब जो भी हो सब <laughs> सही हो गया बड़ी अच्छी किस्मत थी मेरी माशाल्लाह से